नमस्कार, टोन चैनल की ओर से पेश है उत्तराखंड समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे की तिथि भले ही तय नहीं हो पाई, लेकिन कांग्रेस में इसे लेकर बेचैनी पसर गई है। दौरे की तारीख तय नहीं होने से प्रमुख विपक्षी पार्टी फिलहाल इस मामले में टिप्पणी से बच रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में मोदी लहर का कहर झेल चुकी कांग्रेस निकाय चुनाव के मौके पर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सशंकित हो उठी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकेतों की भाषा में महारत के चलते कांग्रेस की परेशानी बढ़ी हुई है। पार्टी निकाय चुनाव के मौके पर आचार संहिता के मुद्दे को उठाकर भाजपा और प्रधानमंत्री पर पलटवार करने की तैयारी में है। देश दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए इस बार केदारनाथ धाम में इको फ्रेंडली दिवाली मनाई जाएगी। इसके लिए मंदिर को 5 शारदियों से सजाया जाएगा। प्रशासन, पुलिस और तीर्थ पुरोहितों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूं तो समुद्र तट से 11,500 फीट की ऊंचाई पर दीपावली पर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। इस बार प्रशासन इस पर्व को विशेष रूप से मनाने का कार्यक्रम तय किया है। पौराणिक परंपराओं का निर्वाह करते हुए मंदिर परिसर में भैलो भी खेले जाएंगे और पूरी रात भजन कीर्तन किया जाएगा। नैनीताल हाई कोर्ट ने सूबे की राजधानी में सरकारी आवासों पर कब्जा जमाने को गंभीर माना है। कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए 2 माह के भीतर आवास खाली कराने तथा कब्जे के दौरान का बाजार दर से हिसाब से किराया वसूलने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव को 8 सप्ताह के भीतर मामले में कार्रवाई करने और जिनके कार्यकाल में आवंटन हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, टिहरी के डीएम, हरिद्वार के सीडीओ समेत 19 अधिकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास खाली करना होगा। आपराधिक छवि वाले नेता अब राजनीति में ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये बात कही। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में याचिका पर संज्ञान लेते हुए कहा कि वह इस बात पर फोकस करेगा कि एक बार आपराधिक मामले में दोषी पाए गए किसी भी नेता को राजनीति के जीवन भर के लिए बैन कर देना चाहिए। एक सवाल के जवाब में वकील अश्विनी उपाध्याय ने, जिन्होंने ये याचिका दायर की है, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली जस्टिस उदय यू ललित और KM जोसेफ की पीठ के सामने व्यक्त किए। इस पर अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में नर्मदा किनारे 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करने के 2 दिन बाद ही यह खबर आई कि योगी अयोध्या में सरयू के किनारे भगवान राम की 151 मीटर ऊंची तांबे की प्रतिमा बनवाएंगे। योगी सरदार पटेल की प्रतिमा देखने गुजरात भी गए थे। ऐसे में इन क्यासों को बल मिल रहा है कि योगी सरे पांव मोदी से के कदम से कदम मिला रहे हैं। CM बनने के बाद एकदम योगी का कद बढ़ने लगा था, जिससे हाईकमान ने भापते हुए योगी को तेजी ना पकड़ने का संदेश भी दिया था। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। देहरादून व आसपास के इलाकों के कुछ क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश हुई। बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत 4 धाम में बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। हवा चलने से मैदानी इलाकों में ठंड में इजाफा हो गया, वहीं ऊपर के क्षेत्र में कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया। हल्द्वानी समेत कुमाऊं में, तराई, भावर में भी मौसम के मिजाज में बदलाव हुआ है। इसके साथ ही उत्तराखंड समाचार को देते हैं विराम। नमस्कार।